दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री की बात किया था, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं जीएस की। हम लोगों ने देखा था जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन अराइज करता है, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए लोक सेवा आयोग किस टाइप के क्वेश्चन अराइज करता है उसको हमने देखा था। फिर वहीं से हम लोगों को इस बार जो सिलेबस दिया था तो हम लोगों ने देखा सिलेबस से कहां कहां से क्वेश्चन अराइज करेगा, मींस हमें क्या पढ़ना है, वो क्वेश्चन ज्यादातर उस पे फोकस करना है जिससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जियोग्राफी के, मींस भूगोल के। भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल से क्वेश्चन अराइज हुए थे वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग अभी इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे कि पिछले आज जो स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन अराइज किया गया था पिछली बार। इसी में सब कुछ है कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था इसी वीडियो में है, और हम लोग को स्टडी क्या करना है, कैसे स्टडी करना उसकी हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूगोल, भूगोल जो है, भूगोल का सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किसने किया था, एरेटास्थेनीज ने किया था, एक ग्रीक विद्वान थे, ठीक है। और ये दो शब्द उससे मिलकर बना है, जियोग्राफी, जियो से और फिर ग्राफोस से। ग्राफोस का मतलब होता है बर्डन, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्लियर। अब हम लोग को यहीं पे क्या करना है, भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, अलेक्जेंडर। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, एरेटास्थेनीज। भूगोल जो शब्द है सर्वप्रथम एरेटास्थेनीज ने ही यूज किया था, ये कौन थे, ग्रीक विद्वान थे। तो वर्तमान व्यवस्थित भूगोल का, व्यवस्थित जो भूगोल है उसका जनक कौन है, एरेटास्थेनीज को। अब हम लोग इतना ये स्टडी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन किस टाइप के अराइज हो सकते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे पूछ सकता है वर्तमान भूगोल का जनक, ए दे दिया, ए दे दिया और लिखेगा सही सुमेल, सही सिक्वेंस से इसको मेल कराइए। तो यहां दे दिया पार्ट टू, पार्ट वन में दे दिया भूगोल का जनक और इसके सामने दे दिया वर्तमान भूगोल का जनक कौन, भूगोल का जनक कौन है, इसके सामने लिख दिया एरेटास्थेनीज और वर्तमान भूगोल का जनक के नीचे लिख दिया वार हर्बोल्ट लिख दिया, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकता है कि क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, अलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट है। वस्तुत भूगोल का एरेटास्थेनीज है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है, पेलिडोनियम है। अब इस टाइप से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यही चारों को उठा दिया ऊपर से, सॉरी एक सेकेंड हम लोग देख लें क्वेश्चन किस, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि क्वेश्चन किस टाइप के अराइज हो सकते हैं। तो जैसे देख लिया इसको ए कर दिया और सही मिलान करने को बोल दिया, इधर बी कर दिया और भूगोल के सामने लिख दिया भूगोल का जनक कौन है और इसके सामने लिख दिया एरेटास्थेनीज, फिर लिख दिया व्यवस्थित भूगोल का जनक पोलिडोनियम। फिर इस तरह से क्या कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको याद कर लेना है, दो तीन बार यदि हम पढ़ लेते हैं तो काफी चांसेस है ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। सुसंस्कृत भूगोल का जनक कौन है, कार्ल ओशावर है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एलेक्सीमीडर है। विश्व भूगोल, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन वैहम। विश्व का जो ग्लोब है उसके निर्माता कौन है, मार्टिन वैहम। विश्व मानचित्र, विश्व का जो मानचित्र है उसके निर्माता कौन है, अनेक्जीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है, स्ट्राबो, क्लियर। इस तरह से हम लोगों को ये याद कर लेना है, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम भूगोल कहते किसे हैं, पृथ्वी का वो हिस्सा जिस पे मानव निवास करते हैं
उसी की स्टडी को क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। क्लियर। पृथ्वी का वो हिस्सा है जिसपे मानव निवास करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी की स्टडी को हम लोग भूगोल कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यहीं पे, हम लोग अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो कि अंतरिक्ष की स्टडी करता है। इसका सम्मेलन प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था जिसमें सौर मंडल के पिंडों को निम्नलिखित तीन समूहों में बांटा गया। एक समूह हो गया परंपरागत ग्रह, दूसरा बौनो ग्रह, तीसरा लघु सौर पिंड। ठीक है, तो परंपरागत ग्रह में कौन कौन से हैं, बुध है, सुख है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है एवं वरुण है। इसमें पहले यम भी था लेकिन जब 2006 के बाद यम को निकाल दिया गया, उसको किस में कर दिया गया, बौनो ग्रह में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लूटो, बौनो ग्रह कौन सा है, प्लूटो, चेरा, सेमस, यूबी, ये हो गए। पार्थिव ग्रह। अब हम लोग देखेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ऐसे हम लोगों को याद कर लेना है, पूरा इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, दूसरा भी देख सकते हैं। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। उसके बाद दूसरे नंबर कौन सा है, शनि है। क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है, सीक्वेंस वाइज ग्रहों का नाम लिख सकता है और पूछ सकता है सबसे बड़े ग्रह को घटते क्रम में नोट करिए। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे छोटा, सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, वरुण है। क्लियर, आसान है, इसका नोट्स बनाते जाइए, क्लियर हो जाएगा। बस यही इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, जो सूर्य का परिक्रमा ग्रह करते हैं, दो ग्रहों को छोड़ के बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज वो उसका परिक्रमण करते हैं। बट दो ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण जो क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इसको देख लिया। अच्छा सबसे मरकरी सबसे हल्का, मरकरी मींस बुध सबसे हल्का ग्रह भी है। ठीक है, ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन किन देशों से होके गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, सहारा, ब्रह्मास, मैक्सिको, इनसे होके कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा होके गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवा, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो हमें कौन सा ज्यादातर क्वेश्चन एराइज होने के चांस कहां से, कर्क रेखा। कर्क रेखा किससे होके गुजरती, इंडिया से। तो क्वेश्चन आने के चांसेस कहां से हैं, कर्क रेखा से। क्लियर, तो हमें इसको देख लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहीं पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है
यहां से क्वेश्चन भी एराइज हुआ था, पिछला जब देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन एराइज हुआ था। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सबसे लंबा होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार एराइज हो चुका है। अब देखिए कहां कैसे क्वेश्चन एराइज होता है। मकर संक्रांति मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सूर्य सबसे लंबवत होता है, जिसकी वजह से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे लंबा दिन होता है। एक यहीं पे इसको हम लोग इस बार स्टडी कर लेते हैं। विषु यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। सर्वत्र दिन और रात बराबर किस पे होते हैं? विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। क्लियर? इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको इस बार देख लेना है। क्वेश्चन यहीं से सब एराइज हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के 29-30% भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बांटा गया। पृथ्वी जो है उसको कितने महाद्वीप में बांटा गया? 7 महाद्वीप में। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया किस में आता है? एशिया में। एशिया में कौन आता है? इंडिया आता है, ठीक है। एशिया शब्द की हिब्रू भाषा आसू से हुई है। इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछली बार एक और एराइज हुआ था, इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख फसलें और उत्पादक देश, क्या पूछा था? गेहूं से क्वेश्चन एराइज हुआ था। गेहूं का सबसे दूसरे नंबर का उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया। पहले नंबर का कौन सा उत्पादक देश है? चाइना है। वहीं पे चावल में, सॉरी हाँ, चावल चावल का पहले नंबर का उत्पादक चीन, द्वितीय कौन सा है? भारत है। तृतीय इंडोनेशिया, यूएस। हम लोग को इतना नहीं देखना है, हमें देख लेना है भारत कहां कहां पे नंबर वन पे है, हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कहां कहां है। गेहूं में हम लोग का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का। चावल में पहला स्थान किसका? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का, ठीक है। चाय में पहला स्थान है भारत का, दूसरा स्थान चीन का है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। वहीं पे खनिज में देख लिया जाए, खनिज में इंडिया का नहीं, खनिज में नहीं शो कर रहा है, तो इसको हम लोग साइड कर दें। उत्पादक देश सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन और फिर भारत, ठीक है। वही हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट। सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन देश है? ब्रिटेन है, भारत है, रूस, चीन है, रूस है। क्वेश्चन कैसे एराइज हो सकता है? सूती वस्त्र उत्पादक यहां पे लिखते हैं, सूती वस्त्र उत्पादक देश, ए लिख सकता है, पहला लिख सकता है ब्रिटेन, ब्रिटेन दूसरा क्या लिख सकता है? भारत। तीसरा एक लिखेगा चीन, उपरोक्त सभी। इस तरह से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्लियर। अब हमें क्या लिखना है इसका? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्लियर, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं।
हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमने अक्सर मैं बोलता हूं कि हमें एग्जामिनर का फुटप्रिंट पकड़ना है। पिछली बार कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन एराइज किया था, इस बार भी लगभग पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करेगा, मैक्सिमम वही पैटर्न रहने वाला है। हमें फुटप्रिंट को पकड़ के और स्टडी करना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं पे भारत का भूगोल की स्टडी करेंगे, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 4 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 4 37 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, सातवां। पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे संयुक्त अरब संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पांचवे पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे इंडिया, आठवें पे कौन सा, अर्जेंटीना। क्लियर, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पढ़ लेना सातवें नंबर पे इंडिया, पहले नंबर पे रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 सबसे बड़े देश कौन से हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें पढ़ लेना है पहले नंबर पे कौन सा है, चीन, दूसरे नंबर पे भारत। भारत जो है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत जो अपनी सीमा रेखा जो है किन किन देशों से साझा करता है, पहला हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन देशों से अपनी सीमा रेखा को जो है साझा करता है। वहीं पे जली, भारत की जली सीमा, जली सीमा से संबंधित देश कौन से हैं, पाकिस्तान है, मालदीप है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ये फिर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। वहीं पे सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा काल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा काल और सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, अब पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में और पूर्वी बिंदु कीबूतू कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। भारत और पाकिस्तान को जो के बीच में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको किसने डिवाइड किया था, सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ रेखा है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। और भारत नेपाल के बीच क्या है, काली नदी ये सीमा बनाती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों से होके गुजरती, कितने राज्यों से होके गुजरती, 8 राज्यों से, कौन कौन, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें एक बार। प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं,
क्वेश्चन एराइज हो सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन एराइज होगा। कोराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोग नोट कर लें, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर। अब नोट कर लें, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, फिर सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, और मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं। इससे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेज हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिर्फ किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपु लेखा दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जयलेला दर्रा सिक्किम, बोमिंडल दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यागा याम दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। क्लियर? ठीक है, हमने ये देख लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे, ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार स्टडी कर लें। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको स्टडी कर लें। इसको स्टडी कर किससे करना है? लूसेंट से स्टडी करना है। ये मैं बुक को वो नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप लोग और कहीं से सोर्सेस से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं जो प्रिपरेशन किया था इसी से किया था। भारत की नदियां, इसको एक बार देख लेंगे। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर, इसका उद्गमन स्थान कहाँ है? सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, अरब सागर, सानो खयावाप हिमनद से। ठीक है, ऐसे गंगा कहां से निकलती है? इंपॉर्टेंट जो है वो देख लें, गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। सतलज कहां से निकलती है? वहीं जहां से तिब्बत के मानसरोवर झील के समूह ब्यास नदी रागताल। ठीक है, इस तरह से हमें भारत की प्रमुख झील है, मैं आपको बोला था ना कि प्रमुख झीलों को देख लेना है, वाटरफॉल ये सब आपको स्टडी करना। अब देख लेते हैं डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, बहुत ही फेमस है। इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोग वही जो मैं पहले पैटर्न बताया था, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, फिर राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, मणिपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, महाराष्ट्र में कौन सी हैं, उड़ीसा में कौन सी हैं, और केरल में। लोनार झील, पिछली बार क्वेश्चन एराइज किया था, याद करिए, लोनार झील जो कि लिखा था केरला या कर्नाटका लिखा था, जो कि गलत था, तो मैं बोला था पूना और महाराष्ट्र, पूना में, पूना और मुंबई के बीच में स्थित है लोनार झील। तो इस तरह से, तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फेमस बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैरी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मानस बल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। शेष नाग झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। अनंत नाग झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। सात ताल बहुत ही फेमस है, सात ताल उत्तराखंड। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड, फेमस है। माला ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल कहाँ है? उत्तराखंड। खुरपा ताल उत्तराखंड। सांभर झील झारखंड, सॉरी सांभर झील राजस्थान। राजसमंद असमंद झील राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। लुनकंसर झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डीडवाना झील राजस्थान। लोकटक झील मणिपुर। पुलकित झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। हुसैना सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील ओडिशा। लोनार झील बताया ही था महाराष्ट्र। बेम्बानाड झील केरल। अष्टमुदी झील केरल। पेरियार झील केरल। अब हमको थोड़ा इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए
बहुत मुश्किल है याद करना, इसीलिए बोलते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। एग्जाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेगा ही, तैयारी करनी ही पड़ेगी अच्छे से। अच्छा, भारत का मानसून क्या है, भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसून इसकी भारत की जलवायु है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत में खाद्य फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? चावल का होता है। क्लियर। हम लोग यहां पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या, हरित क्रांति। इंपॉर्टेंट क्या, विभिन्न क्रांतियां, हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्य क्या होता है? हरा हरा होता है, खाद्यान्न। तो हरित क्रांति किससे हो गई? खाद्यान्न से। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है हरित क्रांति सही सुमेलित कीजिए, सही को एक साथ कीजिए। जैसे हरित क्रांति के सामने लिख दिया उर्वरक उत्पादन, श्वेत क्रांति के सामने लिख दिया मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति के सामने लिख दिया दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति के सामने लिख दिया तिलहन उत्पादन, या फिर ऐसे। तो अब हम लोगों को सही एक मेल बैठाना है, तो इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। तो ये आसान है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न से, क्योंकि खाद्यान्न हरा हरा होता है। श्वेत क्या होता है? दूध कैसा होता है? श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति किससे? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तिल कैसा होता है? पीला पीला थोड़ा होता है। ठीक है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, मांस या फिर टमाटर कैसा होता है? लाल लाल होता है। गुलाबी क्रांति का झींगा, झींगा आप देखेंगे थोड़ा गुलाबी टाइप का होता है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो थी नदी जोड़ो, नदी गंगा को हम लोग अमृत बोलते हैं, तो ऐसे याद करिए। अमृत क्रांति किससे? नदियों से है, नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है, तो गोल क्रांति किससे? आलू से। स्वर्ण क्रांति बागवानी, खाकी क्रांति कपड़ा। तो इस तरह से हम लोगों को याद करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। वहीं पर श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, फसलों का जन्म स्थान कौन सा है? जैसे धान का जन्म स्थान कहां है? भारत। आप लोगों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें देखा होगा कि हमने बोला था वहां चावल के दाने मिले थे। ठीक है, तो वो क्या हुआ? तो चावल का उत्पादन जन्म स्थान क्या है? भारत। मक्का मध्य एशिया, हम लोग उन्हीं को फोकस करेंगे जो भारत में। उड़द का कौन सा जन्म स्थान? भारत। जौ का चीन, ये भी देख लेते हैं, एशिया को देख लेते हैं। सोयाबीन चीन, अरहर अफ्रीका, मूंग भारत, ज्वार भारत, चाय चीन, चाय चीन, चौसे चाय चौसे चीन, कहवा ब्राजील, आलू पेरू, गन्ना भारत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान के केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ? शिमला में। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में। कॉफी, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमूल में। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोटायम में।
केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुद्री, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड, राष्ट्र भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बंगलुरु, बागवानी से बंगलुरु, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना, केंद्रीय कृषि एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एराइज हुआ था पिछली बार, जनसंख्या 2014 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.2%। ये क्वेश्चन पिछली बार एराइज हुआ था। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.6%। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में लोक सेवा आयोग एराइज कर चुका होमपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, होमपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 72.2, वहीं पे 2001 के अनुसार नगरी जनसंख्या इतनी थी, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप दोनों को तैयार कर लें और बेहतर है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं घटते क्रम में, सबसे नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या किस राज्य के, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे पे बंगाल, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या किसका है, सिक्किम का है। कितना है जनसंख्या, 0.05%। मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12%, नागालैंड 0.16%। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परियोजना कौन कौन सी भारत की प्रमुख बहुदेशी नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगलबाद लाभ में जो लाभ लेने वाले राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां से भी क्वेश्चन एराइज हुआ था, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरजू नदी के। तो हम लोगों को क्या देखना, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा, इलाहाबाद मींस प्रयागराज। क्वेश्चन पूछेगा आप इलाहाबाद नहीं लिखेगा, प्रयागराज लिखेगा। गंगा यमुना दिल्ली, यमुना नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, कुरनूल तुंग भद्रा नदी। तो हमें सिर्फ यूपी को मेन फोकस कर लेना, कन्नौज गंगा नदी, सूरत ताप्ती नदी छोड़ देना इसको, मथुरा यमुना नदी, बरेली रामगंगा नदी, गोरखपुर किसके किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, वाराणसी गंगा नदी, इस तरह से हम लोगों को देख लेना है। पर्वती नदी, पंछी विहार कौन सा है, नवाबगंज का है, उन्नाव में, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, लाख बहासी पश्चिम बिहार कन्नौज, साढ़ी पश्चिम बिहार हरदोई, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, ओखल पश्चिम बिहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा, विजय सागर पश्चिम बिहार हरिपुर महोबा, पटना पश्चिम बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, तो दे देगा बिहार या फिर पटना, कंफ्यूज करने के लिए। ये कहाँ है, एटा में। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया, सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़। ऐसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन एराइज कर सकता है। राज्य केंद्र शासित
प्रदेश वहां पाए जाने वाली जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति किस राज्य में से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश हम में इसको आप लोग एक बार याद कर ले, थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट याद करना पड़ेगा भाई। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोंडिया। हिमाचल प्रदेश में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। और बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मैंने क्या किया कि मैक्सिमम हिस्ट्री के कहां कहां से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, पिछले इयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हुए थे उस पर हम डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री जो है मैं प्रिपरेशन करने के समय सिर्फ पढ़ा था और फिर आप लोगों को बताना था तो मैं इसकी स्टडी किया। हिस्ट्री तो हम लोग का सब्जेक्ट है नहीं बट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एक इम्पॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन अराइज होता है। कुछ लोगों के द्वारा एक कमेंट किया जा रहा था कि कितने नंबर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये बता पाना थोड़ा अभी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, फिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। यदि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा हम पेपर देख के हम लोग उसी दिन क्लियर कर देंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेन फोकस करना है। 150 अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100 से ऊपर कोशिश करिए लाने की, ज्यादा मेहनत करिए। एक चीज और मेरी एडवाइस है आप लोगों को, मैक्सिमम लोग क्लिनिक चलाते होंगे या कहीं जॉब करते होंगे तो अभी क्या करना, अपना वो टाइम को डिक्रीज कर देना है। अगर लोकसभा आयोग होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने उस टाइम को घटा के स्टडी पे फोकस करना है। अब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है तो स्टडी करें मिनिमम 6-7 घंटा, 5-7-8 तारीख के बाद इसको और बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 10 घंटे किया जाए। जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो कम से कम अभी स्टडी 6 घंटे स्टार्ट कर दे, फिर क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, एकदम श्योर होगा सिलेक्शन। फिर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बिल्कुल होना है। 6 घंटा आज से स्टडी स्टार्ट करिए और जो मोबाइल को स्क्रोल करते हैं उसको उस टाइम को कम करिए। हाँ, प्रीसियस नॉलेज लीजिए मोबाइल से बस, बाकी न रील्स देखना है ना कोई वीडियो देखना है, सिर्फ वो वीडियो देखना है जिससे कि नॉलेज इनहेंस हो, जिससे हम आयोग का प्रिपरेशन अच्छे से एग्जाम का कर सकें। बाकी मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।